जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योतिष जगत के संगम में आपका स्वागत है। इस संगम में हम जानेंगे कि 10 मुख रुद्राक्ष की क्या विशेषताएं हैं और किसे इस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। दोस्तों, विष्णु भगवान के 10 अवतारों का प्रतीक 10 मुखी रुद्राक्ष को माना जाता है। इसको धारण करने से धारणकर्ता का यश 10 दिशाओं में फैलता है। यह सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह धारणकर्ता की सबसे प्रबल मनोकामना को पूरी कर सकता है। जिस कार्य को करने में किसी को बहुत व्यवधान आ रहे हो और लाख चाहकर भी वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा हो, या जीवन की ऐसी कोई सी इच्छा हो जो आप पूरी करना चाहते हो लेकिन उसके लिए रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, तो ऐसे समय पर आपको यह 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, किसी भी रुद्राक्ष को हर कोई धारण नहीं कर सकता है। इसके लिए कुंडली का अध्ययन करना आवश्यक होता है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु जी से संबंधित होने के कारण बृहस्पति ग्रह का प्रभाव देता है। इसलिए यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरुदेव बृहस्पति एक कारक ग्रह है और उसकी स्थिति अच्छी है, तभी 10 मुखी रुद्राक्ष को उचित प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा करके धारण करना चाहिए। इसके बहुत से फायदे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सभी 9 ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर देता है। यह अपने धारणकर्ता की सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। अनिद्रा, मन की स्थिरता को समाप्त कर सकता है। यह आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और धारणकर्ता को सभी क्षेत्रों में विजय दिलवाता है। यदि आपको आपकी कुंडली का ज्ञान न हो या आपको आपके जन्म समय का दिनांक मालूम न हो और आप किसी बड़े परेशानी का सामना कर रहे हो, तब आप यह 10 मुखी रुद्राक्ष पूजन करके धारण कर सकते हैं। जिनका व्यापार अचानक ठप हो गया हो, बरकत नहीं हो रही हो, घर में क्लेश रहता हो, संतान संबंधित परेशानी हो, वैवाहिक जीवन में तनाव हो या स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परेशानी हो, तो इस रुद्राक्ष को कुंडली दिखवाकर आप धारण कर सकते हैं। इसे सोमवार या गुरुवार को पीले या लाल धागे में या पंचमुखी रुद्राक्ष की माला के साथ पंचामृत से अभिषेक कर शिव पूजन कर महामृत्युंजय मंत्र के 108 जाप के बाद अपनी मनोकामना पूर्ति का कहकर शुभ मुहूर्त में धारण करना चाहिए और इसको धारण करने के बाद रुद्राक्ष के नियमों का पालन करना चाहिए। रुद्राक्ष से संबंधित अन्य वीडियो इसी चैनल पर पूर्व में भी पोस्ट किए जा चुके हैं, आप उन्हें भी अवश्य देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप यह रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली दिखवाकर हमसे सर्टिफाइड रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। इस वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई सा प्रश्न हो, जन्म पत्रिका से संबंधित कोई सा प्रश्न हो, तो हमें कमेंट अवश्य कीजिए। अगले अंक तक के लिए जय श्री महाकाल।